नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अगर भारतीय राजनीति के करिश्माई व्यक्तित्व की चर्चा की जाए तो वो अमित शाह के बिना पूरी नहीं हो सकती। वो भाजपा अध्यक्ष के रूप में अपने सफल कार्यकाल के बाद अब देश के गृह मंत्री बन चुके हैं और अपने इस कार्यकाल में नायाब फैसले भी ले रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबकी नजरों में हैं। साथ ही संसद में शाह ने कश्मीर के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि वो कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। बता दें, अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण अमित शाह मीडिया की चर्चा में तो खूब रहते हैं और उनके विषय में अनेक लोग जानना भी चाहते हैं, मगर उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई ठोस और प्रमाणिक स्रोत अब तक उपलब्ध नहीं था। ऐसे में लेखक अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी की बुक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी इस कमी को काफी हद तक पूरा करती है। जी हाँ, इसी बुक में राज है कैसे अमित शाह राजनीति के चाणक्य बन गए। आपको बता दें, गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार शाह जून में कश्मीर गए थे। हालांकि इस राज्य से उनका जुड़ाव बेहद पुराना है, लेकिन 1991 में यहां निकाली गई एकता यात्रा के मुख्य आयोजकों में शाह भी शामिल थे। इस यात्रा में तत्कालीन बीजेपी प्रमुख मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हुए थे। साथ ही 47 दिन चली ये यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म हुई थी। जोशी ने यहाँ तिरंगा फहराया था। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर तिरंगा फहराते हैं। यहाँ तिरंगा फहराने को लेकर आतंकवादियों ने उन्हें चुनौती भी दी थी। उस चुनौती के बाद पीएम मोदी ने ये बयान दिया था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापिस जाएगा तो आतंकवादी उसे नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। बता दें, अमित शाह पर लिखी किताब में बताया गया है कि कैसे बीजेपी का दायरा बढ़ाने के लिए शाह ने अगस्त 2014 से लेकर सितंबर 2018 के बीच 7,90,000 किलोमीटर का सफर किया। इस यात्रा के दौरान वो विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस साम्यवधि में उन्होंने हर दिन करीब 517 किलोमीटर की यात्रा की। शाह ने केरल और बंगाल जैसे राज्यों में भी बीजेपी का असर बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाया, जहां कभी पार्टी की मौजूदगी बेहद कमजोर थी। किताब में 14 अध्यायों में शाह के कद बढ़ते जाने की कहानी को समेटा गया है। इसमें उनकी निजी जिंदगी के किस्से भी दर्ज हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे शाह दिन का काम खत्म करने के बाद फोन पर पोती की हंसी सुनते हैं। शाह के क्रिकेट और शतरंज से प्यार का भी जिक्र है। किताब के मुताबिक शाह 13 साल की उम्र से बीजेपी के कार्यकर्ता है। इस उम्र में वो 1977 के लोकसभा चुनाव में सरदार पटेल की बेटी मनीबेन पटेल के चुनावी अभियान टीम के हिस्सा भी थे। साथ ही इस बुक में इस बात का भी जिक्र है कि साल 2010 में अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी के एनकाउंटर मामले में जेल भी गए थे। बाद में साल 2014 में अमित शाह को सीबीआई ने इस मामले में क्लीन चिट भी दे दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस किताब में एक तरफ भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजनेता अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ अपनी नन्ही सी पोती रुद्री के साथ खेलते हुए सब कुछ भूल जाने वाले दादा अमित शाह। ये किताब भाजपा अध्यक्ष के रूप में अमित शाह के राजनीतिक कार्यकलापों, नवाचारों और प्रयोगों पर गहराई तक जाकर चर्चा करती है। बता दें, कालखंड में जब भाजपा में प्रवास की ऐतिहासिक परंपरा शिथिल पड़ने लगी थी, तब अमित शाह ने किस प्रकार न केवल इसको पुनर्जीवित किया बल्कि उसके जरिए देश भर में संगठन की नींव को मजबूती भी दी। किताब में इसका किसी कहानी की तरह बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। साथ ही ये किताब बताती है, जैसे मीडिया में शाह की छवि बेहद सख्त और गुस्से स्वभाव वाले राजनेता के रूप में पेश की जाती है,
जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। शाह अपने साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार हंसी मजाक आदि के जरिए दोस्ताना माहौल बनाकर रखते हैं, इस बात का भी इस किताब में जिक्र है। इस किताब में कई प्रसंगों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से सामने लाया गया है। एक प्रसंग में सहयोगियों के साथ काम करने के दौरान पकौड़े खाते हुए शाह कहते हैं कि जिस पार्टी के नेता ज्यादा बेसन खाएंगे वही पार्टी जीतेगी और पूरा माहौल ठाकों से भर जाता है। तो आपको कैसे लगी राजनीति के चाणक्य अमित शाह की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।